पढ़ रहे थे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान दो बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं क्या लिख रहा हूँ? आईई। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस आईई, ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे ये मेटल है, मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मेटल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं हम क्या करते हैं, इस कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमें फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एम प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एम टू प्लस भी लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम लिखेंगे आईई से। तो पहले भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट थी, अभी भी है, तो पहले वाले को हम लिख देंगे आईई वन और सेकेंड को लिख देंगे हम आईई टू। आईई वन का मतलब होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं पहली बार, जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हमने आइसोलेटेड गैसेस एटम से, जो अपनी ग्राउंड स्टेट में था। मेटल का जो एटम है वो एक तो अपने ग्राउंड स्टेट में था, और दूसरा वो आइसोलेटेड था, और तीसरा वो गैसेस स्टेट में था। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस एन प्लस में से फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए फिर एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या नाम दे देंगे, आईई टू दे देंगे। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करते हैं, अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करते हैं, माइनस वन इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट होगा? ये एम प्लस 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 में। इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एम थ्री प्लस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी उसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, आईई थ्री से। क्या लिख देंगे उसको हम, आईई थ्री। अब आपके पास में देखो तीन वैल्यू है, आईई वन, आईई टू एंड आईई थ्री। अगर हम तीनों का कंपेयर करें, आईई वन, आईई टू एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थ्री, अगर आपको बोले कि अरेंज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी वन टू एंड सेकेंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी होगी, तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी होगी? कैन यू गेस? क्या बता सकते हो बच्चों, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी? फर्स्ट की होगी, सेकेंड की होगी, थर्ड की होगी? अगर आपको सीक्वेंस पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे। मैं बता देता हूँ बच्चों, IE3 की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी, IE2 की सेकंड नंबर पे, और सबसे कम किसकी होगी वैल्यू, IE1 की। तो IE1 सबसे कम होगी, देन IE2 उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसमें होगी, IE3 में होगी। IE3 का मतलब है मेटल कैटायन में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। देखो एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं एल से, एटॉमिक नंबर है इसका 13, 13 इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, तो 13 एटॉमिक नंबर है, तो हमें पता है एल्यूमिनियम किस में, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल प्लस थ्री बनाता है, तो एल प्लस थ्री तो डायरेक्ट बनाएगा नहीं, ये क्या होगा, स्लोली स्लोली एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए एल प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो वैल्यू होगी वो IE1 होगी। नाउ अगेन इट विल रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन, देन कन्वर्ट इन टू ए एल प्लस प्लस, एंड दिस वैल्यू इज IE2, एंड अगेन ए एल प्लस प्लस, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड IE3, एंड कन्वर्ट इन टू ए एल प्लस प्लस प्लस, इसके अंदर कन्वर्ट होगा। अब आपको पता है IE3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, देन IE2 और IE1, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चों,
इस केस में क्या है, देखो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 थे। अब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना उतना क्या था, नेगेटिव चार्ज था। जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे थे। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने उतने नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव है यहाँ पे कुछ ना कुछ। यहाँ पे क्या है बच्चों, जेड इफेक्टिव है। तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है पूरे पूरे। जेड इफेक्टिव जो है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिटली चार्ज आयन से उसको, अपोजिटली चार्ज सब पार्टिकल है उसको क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। मतलब उसको अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स से उसको पकड़े हुए। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मैं कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हो जाएगी IE1 की वैल्यू। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al+ के अंदर कन्वर्ट होगा। जब Al+ के अंदर कन्वर्ट होगा तो आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बच्चों 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 हो जाएंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, प्रोटॉन रिमूव नहीं हुए। प्रोटॉन तो क्या कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आउटर मोस्ट सेल से ही तो रिमूव होगा। प्रोटॉन का थोड़ी बिगड़ा कुछ, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर थे। तो प्रोटॉन तो पहले भी 13 थे, अभी भी 13 है। पहले 13 इलेक्ट्रॉन किसको कंट्रोल कर रहे थे, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे। अब इस केस में क्या करेंगे, 13 प्रोटॉन किसको कंट्रोल करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब पहले तो बराबरी का सीन था, अब क्या है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई, प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रॉन्गली क्या करेंगे, बाउंडेड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली बाउंडेड करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करना है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जो IE1 की वैल्यू से भी बहुत ज्यादा होगी। समझ में आई ये बात, कंसेप्ट क्लियर है ना। तो अब देखो इस केस में जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव इस केस में बढ़ गया, इस केस में जेड इफेक्टिव बढ़ा बच्चों। तो इस केस में जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो यहाँ पे IE2 की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। अब IE2 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, ये फाइनली कन्वर्ट होगा Al++ के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इस केस के अंदर हम कंसिडर करते हैं बच्चों, इस केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है सिर्फ इस केस में। अब मुझे क्या करना है, इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, 13+ के चार्ज, 11- के चार्ज। तो प्लस के चार्ज ज्यादा है, माइनस के चार्ज कम है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन पावर और ज्यादा बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया मतलब अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अट्रैक्शन पावर बढ़ गया तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान बात नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा जब जाके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। और किस में कन्वर्ट होगा, ये Al+3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए ये जो वैल्यू आएगी ना, ये सबसे ज्यादा आएगी, ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये सर कंसेप्ट इज क्लियर, और समझ में नहीं आया वो भी बताओ कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया वो भी बता दो। समझ में आया तो लिखो, समझ में नहीं आया तो वो भी लिखो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक इसको फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले साइज ऑफ द एटम, अगर साइज बढ़ता है बच्चों, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। सबसे पहला इसका फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। तो मुझे बताओ बच्चों साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब साइज का मतलब है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बच्चों अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन आने का मतलब आप समझ गए ना, अप टू डाउन आने का मतलब है इन ए ग्रुप, ये पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में जब हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन आने का मतलब है इन ए पीरियड, सॉरी इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप हम अप टू डाउन आते हैं हमेशा, इन ए ग्रुप अप टू डाउन आएंगे तो यहाँ पे क्या बच्चों एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ये जनरल ट्रेंड है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज बढ़ गया, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, रूबीडियम के लिए बात कर रहा हूँ। तो रूबीडियम में पांच ऑर्बिट होंगे और पांच ऑर्बिट में सबसे लास्ट वाला ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई ना,
इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। न्यूक्लियस के पास में पावर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास में, और ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन पावर बहुत ही कम होगी। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इसका मतलब जेड इफेक्टिव बहुत कम होगा इस साइड, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कम लगेगा। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम लगेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है ना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम लगेगी। इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पावर कम है तो यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी देंगे ना, तो बहुत ही कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। मतलब अप टू डाउन आने से IE की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। मतलब कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इसका मतलब वेन एवर वी मूव अप टू डाउन इन ए ग्रुप, ध्यान देना बच्चों, वेन एवर वी कम फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप, देन द वैल्यू ऑफ IE ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी है वो बाद में पढ़ लेंगे हम, पहले हम जनरल ट्रेंड पढ़ लेते हैं। दिस इज द जनरल ट्रेंड। नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट है अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जब हम कैसे मूव करते हैं बच्चों, पीरियड में मूव करते हैं अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे अलोंग ए पीरियड तो क्या होता है, आप मुझे बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। व्हाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द सेम सेल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द सेम सेल, इलेक्ट्रॉन सेम सेल के अंदर फील्ड होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन सेम सेल के अंदर फील्ड होते हैं तो उस समय क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स की पावर बढ़ता है उससे ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा बच्चों, देखो ध्यान दो, मैं थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ये वन सेकंड और थर्ड इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ बढ़ते हैं और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरिन और आर्गन की बात करते हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जनरली जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि आयनेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, जनरली इंक्रीज होती है। रीजन यहाँ पे ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, एक प्रोटोन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ने से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगी, और न्यूक्लियस की पावर अट्रैक्शन की अट्रैक्टिव पावर अगर इलेक्ट्रॉन तक रहती है तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो IE की वैल्यू बढ़ जाएगी अलोंग ए पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकेंड कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी को, तो सेकेंड फैक्टर है हमारे पास में, ये फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकेंड फैक्टर है बच्चों हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है तो उस समय भी क्या हो जाएगा, IE की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हम सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकेंड पीरियड में हमारे पास में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, लिथियम, सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो लिथियम के बाद में उस साइड में हमें मिलेंगे बेरिलियम, लिथियम के बाद में इस साइड में हमें मिलेगा बोरोन मिलेगा, उसके बाद में फिर कार्बन मिलेगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, लिथियम इधर सेकेंड में, बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन और नियोन, ये है सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं अलोंग ए पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है बच्चों, ये देखो देखो बच्चों ये सेकेंड पीरियड है, ये देखो लिथियम बेरिलियम, उसके बाद में यहाँ पे बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन। तो जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, सेकेंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस टाइप से चेंज होती है सेकेंड पीरियड में? तो जैसे जैसे हम सेकेंड पीरियड में बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे लिथियम की जो स्ट्रक्चर है वो 2s1 होती है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। जब हम बेरिलियम में आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1s2 2s2। यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो इस साइड में जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ बढ़ते हैं तो आई ई की वैल्यू बढ़ती है, मतलब आई ई वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर बेरिलियम इज मच मोर हायर एज कम्पेयर टू लिथियम। लिथियम के कंपेरिजन में बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे देखो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फुली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ये देखो 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है। तो यहाँ पे क्या है, फुली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। अब जब फुली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों, क्या होती है ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे आई ई की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। आई ई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। अब हम बेरिलियम से बोरोन की तरफ जाते हैं तो आई ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे कम हो रही है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है बच्चों, यहाँ पे आई ई की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 1s2 2s2 2p1 है, 2p1। जब 2p1 वाली वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कहाँ से करना है, इसमें से करना है। तो ये जब इसको रिमूव कर देंगे तो इसके पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम हो जाती है, बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। फिर कार्बन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे बढ़ेगी, फिर जब कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आई ई की वैल्यू बढ़ती है, और जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो आई ई की वैल्यू कम हो जाती है। देखो आई ई की वैल्यू बढ़ने की जगह कम हो जाती है, बढ़नी चाहिए, यहाँ पे कम हो गई। कम होने का रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फिगरेशन है वो कौन सा है, 1s2 2s2 2p4 है। तो 2p4 जब स्ट्रक्चर आ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल का यहाँ पे कंसेप्ट बच्चों क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे देखो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की यहाँ पे सारी डिटेल बता रखी है। ये है सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में लिथियम की है 520 किलो जूल पर मोल, बेरिलियम की 899। देखो मैंने बताया था बोरोन में आ जाएंगे तो कम हो जाएगी, देखो बोरोन में कम हो गई। लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए थी, देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़नी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली आई ई की वैल्यू बढ़ती है, ध्यान देना बच्चों। तो आई ई की वैल्यू बढ़नी चाहिए, यहाँ पे क्या हो रही है, आई ई की वैल्यू कम हो रही है। कम होने का रीजन मैंने बता दिया, यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 2p1 आती है, इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन 2p में आता है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, बस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते ही बेरिलियम वाले स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, इसलिए इसको कम एनर्जी में ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अब जब इससे कार्बन की तरफ आते हैं तो बढ़ती है, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं तो फिर बढ़ती है, तो नाइट्रोजन से शेषी ऑक्सीजन की तरफ आते हैं तो कम हो जाती है। देखो बढ़ने की बजाय कम हो रही है, बढ़ने की बजाय कम होने का रीजन क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ऑक्सीजन की क्या है बच्चों, 1s2 2s2 2p4, और नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। अब अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, अगर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, अब ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 2p से जाएगा, 2p4 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। अब 2p4 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है। अब ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू नाइट्रोजन से कम होने का रीजन ये है बच्चों कि यहाँ पे ये देखो दो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान बात होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टेढ़ी खीर है, लेकिन ऑक्सीजन में हम आराम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, मतलब कम एनर्जी में ही हम रिमूव कर सकते हैं, इतनी भी कम एनर्जी नहीं है कि बहुत फूंक मारते ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी देखो एनर्जी तो देनी पड़ रही है हमें यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। जैसे हम फ्लोरिन की तरफ बढ़ते हैं तो फ्लोरिन में क्या हो जाएगा बच्चों, 2p5 स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो 2p5 स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से इधर आने से आईईपी की वैल्यू बढ़ रही है। और जैसे ही हम इनर्ट गैस की तरफ आ जाएंगे, इनर्ट कंपाउंड की तरफ, इनर्ट एलिमेंट की तरफ आ जाएंगे, तो आईई की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है,
आई की वैल्यू एकदम से बढ़ जाने का रीजन क्या है? यहाँ पे जो 2p है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इनकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों के हमें समझ में आ गया है।